करोड़पति चुड़ैल द मिलियनेयर विच। जयपुर नाम के एक शहर में एक सुनसान मोहल्ला था। उस मोहल्ले में सिर्फ एक ही घर था, वह भी बहुत बड़ा। उस घर में एक दिन कोरियर आया। कोरियर कंपनी का लड़का उस घर को ढूंढते ढूंढते उस मोहल्ले तक आ पहुंचा। जब वह लड़का उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, तब उन सीढ़ियों में संगीत की आवाज आने लगी। जैसे तैसे वह लड़का घर के अंदर चला गया। उसने देखा कि अंदर हर जगह कीमती सामान रखा हुआ है। बहुत बड़ा टीवी, बड़े बड़े झूमर, सोने की मूर्तियां, जगह जगह पर एसी, मालिश करने वाली कुर्सियां और न जाने क्या क्या। उसे हैरानी तो तब हुई जब वहां पर सोने के गहने, पैसे और हीरे जवाहरात भी खुले में रखे गए थे। उस कुरियर वाले ने आवाज लगाई, अरे घर में कोई है? आपका कुरियर आया है, जल्दी से ले लीजिए, मुझे और भी बहुत जगह पार्सल पहुंचाना है। उस कुरियर वाले को किसी ने जवाब नहीं दिया। तब उस लड़के ने सोचा कि घर में कोई नहीं होगा, या तो लोग अंदर होंगे और या फिर घर के बाहर कहीं गए होंगे। उस लड़के के मन में लालच आ गया कि वह कुछ सोने के गहने और कुछ हीरे पैसे उठाकर वहां से चला जाए, क्योंकि उतनी दौलत कमाना आसान नहीं है। उस लड़के ने हीरे लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, रुको, क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन हीरों को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें देख रही हूँ। उस लड़के ने पूछा, आप कौन हो और आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? तभी फिर एक आवाज आई, मैं चुड़ैल हूँ और मैं इस घर की रखवाली करती हूँ। अगर तुमने यहाँ की कोई भी चीज ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। इतना सुनते ही वह कुरियर वाला बिना कुरियर दिए तुम दबाकर वहां से भाग निकला। वह चुड़ैल महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, बाथटब में नहाती थी और अंग्रेजी संगीत सुनती थी। गले में हीरे जवाहरात और मोती की माला पहने हुए थी। उस चुड़ैल ने अपने हाथ में हीरे की अंगूठी भी पहनी थी और वह चुड़ैल बड़ी बड़ी कार में घूमा करती थी। एक साल पहले की बात है, दरअसल उस घर में दीपा और सुरेश का परिवार रहता था। वह दोनों पति पत्नी थे। उनके साथ दीपा की माँ और सुरेश की माँ भी रहते थे। सुरेश की माँ एक बुरी औरत थी। उसे हमेशा दीपा से शिकायत रहती थी कि वह दहेज में कुछ नहीं लाई और वह दीपा को किसी न किसी बात का ताना मारकर परेशान करती रहती थी। दरअसल दीपा और सुरेश का एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनका गुजारा सुरेश की तनख्वाह से हो जाता था, लेकिन दीपा को अमीर बनने की ख्वाहिश थी और वह आईएएस की पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी पाकर देश की सेवा भी करना चाहती थी। लेकिन दीपा की सास उसे आईएएस बनता नहीं देखना चाहती थी। वह उसे पढ़ाई नहीं करने देती थी, हमेशा दीपा को घर का काम करने पर मजबूर किया करती थी। दीपा को संगीत भी बहुत पसंद था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके घर की सीढ़ियों को चढ़ने पर संगीत बजना शुरू हो जाए। वैसे तो दीपा आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका एक और सपना भी था। वह टीवी में आने वाले गेम शो में हिस्सा लेकर एक साथ बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। वह हर दिन गेम शो के लिए मैसेज भेजती और फोन किया करती थी। एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब दीपा का एक टीवी गेम शो में सिलेक्शन हो गया। कुछ ही दिनों में दीपा को उस गेम शो के लिए मुंबई जाना था। दीपा की सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी सास को यह लगता था कि अगर दीपा पैसे जीत गई तो वह उसकी बात नहीं सुनेगी और उसे मान सम्मान नहीं देगी।
दीपा की सास इतनी बुरी थी कि वह दीपा को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। जिस दिन दीपा मुंबई जा रही थी, उसी दिन उसकी सास ने मौका पाकर दीपा के खाने में जहर मिला दिया। दीपा ने वह खाना खाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ और वह उसी दिन गेम शो के लिए मुंबई रवाना हुई। खुशकिस्मती से दीपा का सिलेक्शन सेंटर सीट पर हो गया और वह गेम खेलने लगी। लेकिन दुख की बात यह थी कि दीपा को इस गेम शो की तैयारी करने का कोई मौका या समय नहीं मिला था। यह उसकी किस्मत ही थी जिसने उसे इस गेम शो में पहुंचा दिया था। आखिरकार वह मौका आ गया जब दीपा उस गेम को खेलने लगी। उसने बिना सोचे समझे मुश्किल सवालों का बड़ी आसानी से सही जवाब दे दिया। दीपा से पूछा गया कि जलियांवाला बाग का कांड कराने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था। दीपा ने झट से उत्तर दिया, जनरल रेजिनॉल्ड टायर। दूसरा सवाल था कि दांडी मार्च किस साल, किस महीने और किस तारीख पर हुआ था। दीपा ने इसका जवाब भी झट से दे दिया, 12 मार्च 1930। इसी तरह दीपा हर सवाल का जवाब झट से देने लगी थी। कुछ देर बाद वह वक्त आ ही गया जब दीपा गेम शो में करोड़ों रुपए जीत गई थी। वहां तालियों की इतनी गड़गड़ाहट थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दीपा और सुरेश करोड़ों रुपयों के साथ अपने घर जा पहुंचे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें एक बात सताने लगी। दरअसल दीपा की माँ कहीं गायब हो चुकी थी। उनका फोन घर पर ही पड़ा था। दीपा ने तुरंत उसकी माँ का मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में लिखवाया। खूब सारे पैसे मिलने के बाद दीपा और सुरेश ने अपने घर का नक्शा ही बदल दिया। वे अब एक ऐश व आराम की जिंदगी जीने लगे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, रुपया, पैसा, जेवर, हीरे मोती, जवाहरात, सोना, अब उनके पास सब कुछ था। दीपा ने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपनी माँ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं है। और यह बात सुरेश और उसकी माँ को बहुत अजीब लग रही थी। सुरेश की माँ एक और वजह से भी परेशान थी कि दीपा जहर खाने के बाद भी क्यों नहीं मरी। जब पुलिस दीपा से उसकी माँ के बारे में पूछताछ करने आई, तब दीपा ने पुलिस के कुछ सवालों का जवाब ठीक ठाक दे दिया। लेकिन जब पुलिस ने दीपा पर ही अपनी माँ को कहीं छिपा देने का इल्जाम लगाया, तब दीपा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। अगर ज्यादा तफ्तीश की तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसने गुनाह किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। खामखा मेरी बेटी को परेशान मत करना, उसे कुछ नहीं पता है, वह बिल्कुल भोली है। अगर दोबारा मेरी बेटी को परेशान करने आए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। दीपा का यह बदला हुआ रूप देखकर सुरेश, उसकी माँ, पुलिस सभी परेशान थे। पुलिस के जाने के कुछ देर बाद जब दीपा से सुरेश ने पूछा कि उसने ऐसा अजीब बर्ताव क्यों किया, तो दीपा ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया था। इस बात से परेशान होकर सुरेश ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने दीपा को एक बड़ी रंगोली के अंदर बिठाया। वह बड़े बड़े मंत्र पढ़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओम हैम क्रीम चामुंडाय विचे फट स्वाहा, ओम हैम क्रीम चामुंडाय विचे फट स्वाहा, ओम हैम क्रीम चामुंडाय विचे फट स्वाहा। कुछ देर बाद जब तांत्रिक ने दीपा से पूछा, तू कौन है और दीपा के अंदर क्या कर रही है, तो जवाब आया, मैं दीपा की माँ हूँ। दरअसल मेरी समधन ने दीपा के खाने में जहर मिला दिया था।
गलती से वह खाना मैंने खा लिया और मैं मर गई। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई और मुझे पता चला कि दीपा को मारने की साजिश हुई थी। तभी मैंने सोचा कि दीपा की रक्षा करने के लिए मैं उसके अंदर समा जाती हूँ और मैंने उसके अंदर खुद को प्रवेश करवाया। उसके बाद उस गेम शो में मैंने दीपा को पूछे गए हर सवाल का झट से जवाब दे दिया, क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ और मेरी जादुई शक्ति से मुझे किसी भी बात का पता चल जाता है। मेरी बेटी दीपा की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वह गेम शो में हिस्सा लेकर करोड़ों रुपए जीते, तो मैंने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। वह तांत्रिक बोला, अब तो तुम्हारी बेटी करोड़पति बन गई है, अभी भी क्यों तुमने उसे कब्जे में रखा हुआ है? तुम अपनी बेटी का शरीर छोड़कर चली जाओ। उस चुड़ैल ने कहा, मुझे मेरी समधन पर भरोसा नहीं है, वह दोबारा मेरी बेटी को मारने की साजिश रच सकती है। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा करने की खातिर उसके शरीर में अभी भी हूँ। इतना सुनते ही रमेश की माँ ने उस चुड़ैल से माफी मांगी। उसने कहा, गलती हो गई समधन जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि वह खाना आपने खाया है। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। आप भगवान के लिए मेरे बेटे और मेरी बहू को जिंदा छोड़ दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। उस चुड़ैल ने कहा, ठीक है समधन जी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे दामाद या बहू को किसी तरह की चोट पहुँचाई या उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन याद रखना कि मैं अपनी बेटी का ख्याल हमेशा रखा करूंगी। मेरी बेटी करोड़पति है और उसके साथ उसकी देखभाल के लिए एक चुड़ैल भी है, करोड़पति चुड़ैल। उस दिन के बाद से दीपा का परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगा। दीपा को एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने दीपक रखा। दोते के पैदा होने पर चुड़ैल नानी माँ आई, अपने दोते को जी भर कर देखा और खुशी खुशी दोते को सोने का कड़ा तोहफे में देकर वापस चली गई। उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया और वह काफी अच्छा चलने लगा। दीपा का परिवार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। वह हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे।